फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते एंड नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू ऑल। आज का जो टॉपिक है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इट इज अबाउट द एजुकेशन पॉलिसी व्हिच हैज बीन ब्रॉट आउट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, देन रेस्पेक्टेड जय सर ने बोला कि सर इसका एक सेमिनार करते हैं ना, बहुत जन को कन्फ्यूजन है। तो मैं बोला मुझे भी ज्यादा इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो जय सर एंड चिराग सर उन्होंने काफी मेहनत किया इस पे, राइट, एंड दे हैव ब्रीफ्ड मी, एंड ऑफ कोर्स सीए अभय उन्होंने भी काफी कुछ इंडस्ट्री इनपुट्स दिया। तो पहले हम लोग जरा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एजुकेशन पॉलिसी एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड। द कॉन्टेक्स्ट इज इंडिया, देयर इज अ बिग इंडस्ट्री गैप। तो हम लोग पढ़ के निकलते हैं, लाइक आई एम अ डॉक्टरेट, आई हैव कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग, आई एम अ टॉप रैंकिंग इंजीनियर। उसके बाद मैंने एमबीए किया फाइनेंस पे, राइट, एंड देन पीएचडी किया। तो अभी मैं जब भी बाहर गया, आई वेंट टू हार्वर्ड व्हिच इज सपोज टू बी द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड, टॉप नंबर वन हार्वर्ड है। सबका अपना अपना नसीब है। आई वॉज लकी, आई वॉज नॉमिनेटेड, मैं चला गया। आई डोंट क्लेम टू बी इंटेलिजेंट, आई वॉज लकी, तो मुझे भेजा गया। तो मैं जब भी मैं हार्वर्ड गया बेटे, मुझे सबसे ये बात करना है कि आई फाउंड दैट यू नो इंडिया में कैसा है ना, वी बिहेव एज इफ वी आर ए सेज ऑन द स्टेज। मतलब गुरु जो है स्टेज पे खड़ा रहकर भाषण देगा, आपको सीखना है, सबको नोट्स बनाना है, पढ़ना है, और राइट। नाउ हार्वर्ड में मैं जब भी गया तो व्हाट आई रियलाइज इज ए टीचर इज ए गाइड ऑन द साइड। अभी आप प्लीज समझिए दोनों का डिफरेंस क्या है। सेज ऑन द स्टेज मतलब मैं बड़ा आदमी हूं, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, आप सीखिए। और गाइड ऑन द साइड मतलब टीचर ही है, गुरु ही है, साइड पे रहेगा, आप पढ़िए, आपको दिक्कत आएगा तो मैं हेल्प करूंगा। सो इफ यू लुक बैक एट द इंडियन, ये तो मैं हार्वर्ड में सीखा, और मैं जब इंडिया में वापस आया, आई हैव बीन अ रैंकर थ्रू एंड थ्रू, मैंने आई हैव डन वेरी वेल इन लाइफ इन अ कैट्स। मैं जब इंडिया में वापस आया, मैं थोड़ा रिसर्च करने लगा कि यार इंडियन सिस्टम में हम लोग इसको बोलते हैं सिस्टम बाय रोट। फिर उसको थोड़ा मैं जब स्टडी किया, बच्चे लोग एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वेबिनार, See, I realized this was a system that was imposed by the British government on us. तो ये हमारा जो education policy है, with due respects, ये जो मेरा बच्ची है अनुष्का प्रथम, right, तुषार, ये सब मेरे बच्चे जो सुन रहे हैं, this I realized was a system imposed on us by the British system because they wanted people who will follow their orders. तो हम लोग का जो system हम लोग follow करते हैं, सही है गलत है मुझे उस पर नहीं आना है, I am a product of the same system, right? So I don't want to comment on that. It was more of, you know, British government wanting to impose their rules on us. Isse do cheez ho jata. What was happening is, it was inhibiting creativity. For example, main engineer ho, right? I mean, main engineer ho, to maine throughout first class first kiya, I am a gold medalist. Lekin mujhe na economics pe jyada interest hai. Lekin hamara education system mein aisa bataya gaya, aap engineer ho, to aap economics kar hi nahi sakte. तो मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे एमबीए करना पड़ रहा है इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, एंड आई एम ए ब्रिलियंट इंजीनियर आल्सो। अभी वो सिस्टम टूट गया है, राइट। नाउ द गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू यंगस्टर्स इज टू थिंग्स, इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी, व्हिच इज व्हाट आई रियली लाइक। ये जो हम लोग स्ट्रेट जैकेट करते हैं ना कि भाई साइंस मतलब साइंस, एक तो हमारी एक गंदी सोच है, राइट, एकदम गंदी सोच है कि राइट साइंस मतलब खाली साइंस पढ़ना चाहिए, गलत है। Science need not be only science subjects. Let's say my Monica, she likes all science subjects. She is learning under Jay sir, but then she is also interested in a bit of economics because वो बार-बार paper पढ़ती है, तो उसको doubt आता है ये market क्या है, इसमें क्या हो रहा है, या एक commerce student है और वो commerce student को थोड़ा extra physics पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ सकता है, right? अभी जो मैं MBA किया, econometrics करके एक subject है, आप लोगों को पता है econometrics subject क्या है, economics plus a combination of physics. तो अल्टीमेटली मैंने भी वही किया है। तो दिस न्यू एजुकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नाम हम लोग बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, प्लीज रिमेम्बर इट इज रॉन्ग, कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है और इसमें कुछ नया नहीं है, वी आर गोइंग बैक टू द इंडियन रूट्स। तो ये पहला आप समझ के लीजिए कि वी आर गोइंग बैक टू द इंडियन सिस्टम ऑफ लर्निंग जो एक्चुअली था बिफोर द ब्रिटिशर्स केम। तो दैट इज माई फर्स्ट रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स हियर, ये जो आप मीडिया में पढ़ रहे हो इट इज न्यू, नथिंग न्यू अबाउट इट, वी आर गोइंग बैक टू द रूट्स which produced a lot of results for us before independence or before the Britishers came. India was one of the, वो बोल रहे थे ना, India was one of the foremost countries in the world. अपना नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में world over they were talking about it. So we are going back to that roots and I'm so happy that I'm able to make a presentation to you all on that particular thing. So let me start my presentation formally now with your request. Of course, I'm doing this on behalf of Menon Seduvert. This is an institute that has been started by my mother. Right,
एंड वी स्टिल बिलीव इन पर्सनलाइज एजुकेशन. अगर आप देखेंगे आज भी जैसर साइंस पे सर्विस दिया जा रहा है, राइट, जो बच्चे लोग एग्जाम लिख के फिर भी आए, तो दैट यंग मैन इज स्टिल गिविंग फुल सर्विस. फिलोसफी इज ऑफ दैट ऑफ माई मदर हु बिलीव्स दैट एजुकेशन इज द साइलेंट रेवोल्यूशन. माई मदर्स नेम इज उमा राधाकृष्णन. She could not complete her education because of a marriage, early marriage, right? She comes from a middle class background, but because she could not complete her education, she believes in the value of education. She believes that every child should be educated and teachers should give the best, okay? And she is a big influence in my life, apart from my other friends and my father, of course. Yes, this is me. I am an engineer, MBA. Okay, so what I'll quickly go through this. मुझे अच्छा नहीं लगता अपने बारे में बात करना, but I think it's important because many parents are sitting and they would not know who I am. तो उनको भी लगना चाहिए कि कौन है लेक्चर ले रहा है. I'm a doctorate, finance and strategy में, Harvard alumnus है. And yes, मैं companies में invest करता हूँ. और आजकल मेरा एक aim है कि जो company sick हो रही है, उसको जरा turn around करना, profitable करना. American Express Bank पे काम किया है, SBI Caps में काम किया है, youngest vice president था. Corporate life has been very, very good. लेकिन teaching मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो माँ के side से आया हुआ है, right? I may not be a great teacher like let's say Gajanan sir or a Chirag sir or a Shital Mesendri sir or a Jay sir. I might not be a great teacher, but yes, that is my passion. And I think you know, अभी तक मेरे ख्याल से 25-30,000 बच्चों को मैंने पढ़ाया है. क्योंकि 2001 से मैं पढ़ा रहा हूँ and corporate training भी करता हूँ. And yeah, Menon classes में भी थोड़ा बहुत पढ़ाया हुआ है. मेरे education तो ठीक है, लेकिन आज का सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट है ये लास्ट 60 डेज में, जब दुनिया पूरा नेगेटिव बात कर रहा था, तो आपके जो सर है अनिल मेनन, मैंने एक चैनल स्टार्ट किया, यूट्यूब चैनल मेनन मंत्रा. यहाँ पे सब फ्री लेक्चर्स मिलेंगे. और सबसे इम्पोर्टेंट बेटे, हर एक लेक्चर के पीछे मैं एक स्पॉन्सर किया है, और वो पैसा पूरा चाहता है हंगर कलेक्टिव. हंगर कलेक्टिव, ये दो मिनट लूंगा. हंगर कलेक्टिव यानी गरीबों को खाना खिलाने का जो जिम्मा उठाया है, मैंने उठाया, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना है कंट्री के लिए. एंड मैं कैसा करता हूँ, मैं एक लेक्चर लेता हूँ और बोलता हूँ कोई स्पॉन्सर कर दीजिए. तो अभिषेक बियानी दामोदर इंडस्ट्री स्पॉन्सर करता है, ही सेंड्स 10,000 रुपीज टू हंगर कलेक्टिव. मैं वो बच्चे के बारे में बात करता है, फिर लेक्चर ले लेता हूँ. ऐसा मैंने ये 60 डेज पे वी हैव कलेक्टेड अराउंड 33 लाख रुपीज एट दिस एज. लास्ट 60 डेज हैज बीन द बेस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ. 33 lakhs, I'm going for 50 lakhs. ये आप लोग ये वेबसाइट ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब मेनन मंत्रा. संडे तो मिल ही रहे हम लोग, राइट. और मेरा एक ही है, सर्व सोसाइटी थ्रू बिजनेस. बिजनेस को खड़ा कर दीजिए, उनको एडवाइस दीजिए, वो बच्चे इंप्लीमेंट करेंगे, जॉब बचेगा, और सामने वो लोग डोनेट करेगा तो गरीब लोग का खाना मिलेगा. सो आई एम वेरी हैप्पी. एजुकेशन ओके, दिस इज ऑल ओके. वेरी हैप्पी दैट लास्ट 60 डेज आई कुड डू व्हाट आई रियली लाइक, विच इज सोशल सर्विस. Okay, so we come to this very important thing, which is, again, I repeat, it is not new education policy, it is national education policy. इसमें एक बहुत अच्छा चीज हम लोग बोलते हैं, pupil teacher ratio 30:1 रखा है. इसका एम क्या है मैं बताता हूँ. पर्सनलाइज अटेंशन है, जो मेरे माँ बार बार बोलती है, पर्सनलाइज अटेंशन है. अगर वो 200 बच्चे रहेंगे एक क्लास में, कोई भी क्लास में, राइट, 200 बच्चे रहेंगे तो ध्यान नहीं दे पाएगा. तो हम लोग ने जैसा पैनल में, वी हैव आल्सो रेस्ट्रिक्टेड अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अगर आप देखोगे साइंस पे, वी डोंट टेक मोर देन एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. वो जैसे बहुत क्लियर है, बाकी किधर भी जाएगा तो भरे पड़ते हैं बच्चे लोग. एंड वी डोंट वांट टू डू दैट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो इज सेइंग द सेम थिंग. टीचर प्यूपल टीचर रेशियो, मतलब हर एक 30 बच्चे के पीछे एक टीचर रहना चाहिए. सिंपल है, क्योंकि वो बच्चे को पर्सनल ज्ञान है. हम लोग उसपे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल विच आई एम सो हैप्पी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रियलाइज, दैट व्हेनेवर यू गिव पर्सनलाइज्ड अटेंशन टू अ स्टूडेंट, स्टूडेंट इम्प्रूव. स्टूडेंट का जो टैलेंट है वो बाहर आता है. एंड द फोकस विल बी ऑन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट ओनली द ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, वोकेशनल सब्जेक्ट्स को भी प्रमोट किया जा रहा है. एंड ई लर्निंग इज कमिंग इन. ई लर्निंग इज कमिंग इन ए बिग वे. अगेन, वेरी वेरी नोबल इंटेंशन. इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत होगा, बट लेट्स अंडरस्टैंड दैट अ गवर्नमेंट हैज ए विजन. एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल नॉट कॉल इट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. बार बार बोल रहा हूँ, इंडिया ओरलियर सिस्टम इज बीइंग रिस्टोर्ड. ओके, तो बेसिकली ब्रिटिशर ने जो हमारे इधर कचरा करके गया, तो उसको हटा रहा है. वी आर ब्रिंगिंग बैक द ओल्ड स्टेज हियर. यस, दो बार ये आया था, 1968 में आया था और एक 1986 में हुआ था. एंड जय सर, आप बता सकते हैं सर 1968-1986 के बारे में? हाँ सर, गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर. 1968 में कोठारी कमीशन था, और उसका मेन इंटेंशन था कोठारी कमीशन का कि जो एजुकेशन है
वो एग्रीकल्चर और टेक्निकल बेस्ड होना चाहिए। तो उसके बाद वापस सेकेंड टाइम जो इन्वेंशन मतलब कमिटी बैठा 1986 में, उसमें बोला था कि इक्वल एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल। तो ऐसा दो बार कमिटी बैठ चुका है, और ये जो अभी थर्ड टाइम है अपना 2020 का, ये थर्ड टाइम अमेंडमेंट है जिसको हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोल रहे हैं ऐसा। तो ये सब ऐसा दो बार अमेंडमेंट हो चुका है, और तीसरा टाइम है सर ऐसा। थैंक यू वेरी मच रेस्पेक्टेड जय सर। तो यूनिवर्सल एजुकेशन है, बिकॉज एज वी ऑल सेड एजुकेशन ब्रिंग्स अबाउट साइलेंट रेवोल्यूशन। ये अभी अच्छा सिस्टम उन्होंने चेंज किया है, माय वाइफ मिस रेशमा मेनन इज सिटिंग हियर, शी विल टॉक अबाउट दैट। तो अभी जो है इट वाज वेरी सिंपल, अभी 10+2 का सिस्टम चलता है हमारा, 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ो, उसके बाद 12th के बाद इसको चेंज कीजिए। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ले किया है, राइट right? अभी बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ले किया है इन्होंने, राइट right? कि ये जो अर्ली स्टेज एजुकेशन है इस पर ध्यान दिया जा रहा चाहिए। अर्ली स्टेज एजुकेशन पे ध्यान देना मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिव एजेस, बच्चे का फॉर्मेटिव एजेस। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट चेंज, राइट, बिकॉज अगर आप देखोगे इट इज ब्रोकन इनटू फोर पार्ट्स, फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। अभी ये फाउंडेशन का जो है विच आई कॉल एज फॉर्मेटिव एजेस, ओके, इंडिया हैज बीन ट्रेडिशनली वेरी वेरी गुड इन दैट। सो व्हेन आई वेंट टू यूएस मुझे इतना समझ में आया कि कुछ भी पढ़ाई में वो लोग अपने से कम है, वो लोग बहुत ही कम है हम लोग से, लेकिन क्यों आगे निकल जाते हैं, क्योंकि रिसर्च पे बहुत ध्यान दिया जाता है उनके इधर, रिसर्च पे ध्यान दिया जाता है, बाद में सिस्टम भी बहुत अच्छे है। आई रिक्वेस्ट मिस रेशमा मेनन, माय वाइफ मिसेस रेशमा मेनन, टू जस्ट टॉक अबाउट इट। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू अनिल सर फॉर योर सेशन। यहाँ पे जो फॉर्मेटिव एज में जो डिग्री को इम्पोर्टेंस दिया गया है, दैट इज द ECCE डिग्री, सो दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अभी तक गवर्नमेंट के अंडर में जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से पहले जो भी एजुकेशन है वो सिर्फ आंगनवाड़ी के बेसिस पे चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक गैप ऐसा है कि वो आंगनवाड़ी के जो टीचर्स हैं वो प्रोफेशनली ट्रेन नहीं है। तो जब आप न्यू या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में जब ECCE ट्रेनिंग कंपलसरी दिया जाएगा, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से ट्रेंड हुए हुए टीचर्स बच्चों को स्टार्टिंग से एजुकेशन देना शुरू करेंगे। और वो फाउंडेशन इसलिए बोला जाता है बिकॉज दैट इज द एज व्हेन द ब्रेन इज डेवलपिंग इन द एट द हाईएस्ट स्पीड, तो सब कुछ कैचअप करने की कैपेसिटी वही एज में रहती है। सो कॉग्निटिव स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स, क्वेश्चनिंग, क्यूरियोसिटी, ये सब जनरेट करने का जो बेस है वो उसी लेवल पे अगर अच्छे से सेट हो गया, तो देन ऑफकोर्स स्टूडेंट्स विल टर्न आउट टू बी मोर इंटरेस्टेड इन एजुकेशन एंड दे विल टेक एजुकेशन इन अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑल टूगेदर। सो दैट इज अ वेलकम स्टेप बाई द इंडियन गवर्नमेंट की ECCE डिग्री इज नाउ गोइंग टू बी गिवन लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। आजकल बच्चों को धक्का मार के स्कूल में भेजना पड़ता है, किड डज नॉट एंजॉय गोइंग टू स्कूल। सो मे बी द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक दिस मोर क्यूरियस, मोर इन्फॉर्मेटिव। इट्स अ वेरी गुड मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड आई नो इफ इट हैपेंस इट्स अ ग्रेट थिंग। एज आई टोल्ड यू ऑल डियर कलीग्स, एक्सप्लेन वेल बाय जय सर एंड रेशमा मिस, ये 3 years और 2 years को फॉर्मलाइज किया जा रहा है। प्रिपरेटरी स्टेजेस क्लासेस 3-5, मिडिल स्टेज 6-8। अब यहाँ से स्टोरी चेंज होता है, 4 years क्लासेस 9-12, दैट इज वेयर द स्टूडेंट्स कैन सेलेक्ट देयर सब्जेक्ट्स। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग नाउ, एंड आई थिंक दिस इज अ क्लासिक मूव बाय द गवर्नमेंट विच इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प अस इन वोकेशनल ट्रेनिंग। अच्छा, अभी और एक बहुत अच्छा चीज है, आई वुड रिक्वेस्ट अदर HODs टू ऑल्सो स्पीक प्लीज, वेलकम, अच्छा लगेगा। राइट, बोर्ड एग्जाम्स है, राइट, तो अभी बोर्ड एग्जाम में एक एग्जाम लिखो उसमें मार्क नहीं आया तो खत्म। अरे कैसा होता है क्या लाइफ में, ऐसा बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर आता है, हाउ कैन डू यू रियलाइज व्हाट इज द प्रेशर ऑन द चाइल्ड। एक एग्जाम लिखो खत्म कर दो, गलत। आई थिंक इट्स वेरी गुड देर आर टू चांसेस एट द बोर्ड लेवल, बिकॉज प्रेशर में भाई, प्रेशर में सचिन तेंदुलकर कैन क्रम्बल, आप क्या चीज है, मैं क्या चीज है। तो एक ही एग्जाम, सब लोग बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, दो चांस दिया जाएगा। आई एम सो हैप्पी, extremely happy that this has been coming in. और एक चीज इन्होंने discontinue किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और discontinue किया, I'm so very happy. एक तो merit ranker का system होता था एक time में, तो 2007 तक ये merit ranker का चक्कर चलता था, सब class वाले merit ranker करके घूमता था, बच्चे का एक mark के लिए merit rank छूट जाता था, वो life में depressed हो जाता था, उसको percentage मिलता था 97%, फिर भी दुखी होता था, क्यों सर एक mark से merit rank चला गया। अरे 97% मिला है तेरे को,
नहीं सर लेकिन मेरा बोर्ड मेरिट रैंक चला गया. सो आई थिंक एंड फाइनली इसमें क्या है ना बेटे, लाइफ में सबको समझा रहा है, आई वांट जेसर टू स्पीक, बोर्ड एग्जाम इज इम्पोर्टेंट, उसमें डाउट नहीं है, लेकिन प्रेशर लेके मत करो यार कोई चीज. When we are born as a human being, it is very simple. It is also about enjoying happiness, learning with fun. इसको मैं हमेशा मेरे बच्चे को बोलते हैं एडुटेनमेंट. When I went to Stern School of Business, New York, Harvard में नहीं, Harvard में हमको बताया गया कि सब एक साथ, टीचर नहीं पढ़ाएगा, सब लोग एक साथ पढ़ेंगे. आपके बाजू वाले को भी उतना ही आता है जितना टीचर को आता है. Stern School में मैंने और कुछ सीखा, एडुटेनमेंट, एजुकेशन के साथ एंटरटेनमेंट करके सीखो, गेम्स रहेगा, वीडियोग्राफिक्स रहेगा. मैं बात कर रहा हूँ 2009 का स्टर्न स्कूल में. नाउ दैट हैज कम इनटू इंडिया आल्सो. रेस्पेक्टेड जय सर वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट बोर्ड एग्जाम. सर गो अहेड सर प्लीज. हाँ सर, थैंक यू सर. सर बोर्ड एग्जाम का कैसा होगा ना कि मतलब रहेगा तो, बट तो उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे. जैसा आपने बोला कि मतलब मेरिट रैंक मिस हो गया तो बच्चे डिप्रेस हो जाते थे, तो गवर्नमेंट ने पूरा उसका ध्यान रखा है. और उन्होंने क्या किया है कि मतलब ऑप्शंस डाले हैं. जैसे नाइन्थ में बच्चा ऑप्शन ले रहा है कि मुझे फिजिक्स के साथ कुछ म्यूजिक लेना है या फिजिक्स के साथ कुछ ओकेशनल सब्जेक्ट करना है, तो उसको उसके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट मिल जाते हैं. बट सपोज कभी उसने कोई दूसरा भी सब्जेक्ट लिया जो उसके घर वालों ने कुछ बोला, तो उसमें वो क्या कर सकता है कि सपोज उसके पास फॉर एग्जाम्पल घर वालों ने बोला मैथ्स ले लो, तो मैथ्स में दो लेवल किया है उन लोगों ने, जैसा एक अपर लेवल और एक लोअर लेवल है. तो बच्चा लोअर लेवल लेके भी मैथ्स दे सकता है एग्जाम. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसको अपर लेवल लेके ही देना है, और आगे उसको सेम डिग्री मिलेगा जो भी उसका बोर्ड एग्जाम का जो भी होगा, और उसके फ्यूचर को अफेक्ट करेगा नहीं. ठीक है, ये सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, साइंस के लिए भी है, प्लस हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए भी गवर्नमेंट ने ऐसा प्लान किया है. और प्लस अगर बच्चे ने सपोज फर्स्ट एग्जाम अपीयर किया, बच्चे को थोड़ा सा कम परसेंटेज मिला है, तो बच्चा सेकेंड टाइम अपीयर कर सकता है उस बोर्ड एग्जाम को, और उसमें जिसमें उसको ज्यादा मार्क्स है वो कंसिडर किया जाएगा. तो ये मोस्टली अभी जेई में ऐसा होता है कि बच्चा जब जेई का एग्जाम एक बार दिसंबर में देता है, एक बार अप्रैल में देता है, तो जिसमें उसका स्कोर ज्यादा है वो काउंट किया जाता है इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए. सेम सिस्टम वो लोग बोर्ड में प्लान कर रहे हैं कि बच्चे को दो चांस दिया जाएगा, और जिसमें उसको ज्यादा मिल रहा है उसको हम लोग काउंट करेंगे. तो एक रियली अच्छा पॉजिटिव मूव है गवर्नमेंट का. तो आई थिंक पेरेंट्स को भी हैप्पी होना चाहिए, बच्चों को भी खुश होना चाहिए कि मतलब एक बर्डन नहीं है बोर्ड एग्जाम. कि अभी तक क्या होता था कि कॉम्पिटिशन होता था, बोर्ड एग्जाम मतलब बहुत बड़ा प्रेशर है, कॉम्पिटिशन था, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपको परफॉर्म करना है, आप अपने हिसाब से परफॉर्म करोगे, और जितना भी आपको चांस है आपका फोकस होगा कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, कितना बेस्ट आप दे सकते हो. बट कोई प्रेशर नहीं रहेगा आपके ऊपर, आपको अपने लाइकिंग का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और आप उसके हिसाब से सिलेक्ट करो और उसके हिसाब से आप परफॉर्म करो. इतना ही सर मैं कहता हूं. थैंक यू सर. आई एम ब्रिलियंट. मतलब बेसिकली आज शीतल में चिराग सर, आई वांट यू ऑल टू स्पीक प्लीज. हेनरी सर मैं आप लोग मैं बोलूंगा तो प्लीज बात कीजिए, एंड प्रेफरेबली स्पीक इन मराठी एंड हिंदी ऑल्सो. वो आ रहा है और पॉइंट्स अभी आ रहा है. बेसिकली बच्चे लोग मैं एक बात बोलूं, बोर्ड एग्जाम महाभारत नहीं है. सिंपल, ये जो हम लोग इसको महाभारत बना के बिठा है ना वो नहीं है. अभी सिंपल है, एज सिंपल एज दैट. राइट, हैविंग सेड दैट, आई वांट यू ऑल टू बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. आप लोग को इमिडिएटली अप्लाई होगा क्या मुझे पता दे बेटे, लेकिन सीख के लेना, आगे का जनरेशन के लिए तो काम में आ रहा है. सुपर पॉइंट, देयर इज नो हार्ड सेपरेशन. राइट, सो यू कैन ऑल्सो हैव वोकेशनल सब्जेक्ट्स लाइक स्पोर्ट्स. तो सबको पता है सचिन तेंदुलकर ने शायद स्कूलिंग कंप्लीट या कॉलेज कंप्लीट नहीं किया, आई डोंट नो व्हाट, बट ही हैज नॉट कंप्लीटेड समथिंग, बट ही इज अ ब्रिलियंट गाय, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट गाय. तो अभी वो स्पोर्ट्स में इफ यू आर एक्सेलिंग दैट विल बी ट्रीटेड एट द सेम लेवल. यू कांट एक्सपेक्ट सचिन तेंदुलकर टू बी अ ग्रेट साइंटिस्ट, ही इज नॉट. But then now, today with this new policy which is coming in, going back to the old roots of India, yes, you are a brilliant archer, very good. You will be recognized as anybody who is a great scientist. So you don't need to be only a scientist or an engineer or a doctor or a chartered accountant. Even if you are a great sportsman, you will be recognized. Yes, as sir said, no hard separation. There will be a complete encouragement for everything. Okay, so a science student can also take economics. Mera favorite wohi hai kyunki mujhe acha lagta hai subject. You can take your a commerce students can take physics. Right, review kali teachers se nahi hoga, it will be also by peers. Isko hum log bolte hai bete social quotient. Isko hum log bolte hai social quotient. Jaise sir ne bola, koi bhi course aap le sakte ho aapke preference se. राइट, सोशल क्वेश्चन मतलब क्या, खाली टीचर ग्रेडिंग नहीं करेगा, आप क्लास में कैसा बिहेव करते हो, बाकी आपके स्टूडेंट्स बोलोगे. क्यों मैं बताता हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है, लाइफ में मैं फाइनेंस का पर्सन हूँ लेकिन मुझे काम तो लोगों से ही कराना पड़ता है. दैट मींस मुझे क्या लगता है, आईक्यू लगता है. आईक्यू इज राइट इंटेलिजेंस क्वेश्चन, बुक से मिलता है. सेकेंड इमोशनल क्वेश्चन,
ईक्यू, मैं बोला ना बेटे आप लोग को 60 डेज में मैं चेंज हो गया, क्यों, मैं इमोशनल, मैं एनर्जाइज हुआ कि चलो यार कुछ करना है, राइट, देश के लिए करना है, सबके लिए करना है, इमोशनल क्वेश्चन। तीसरा है एसक्यू, एसक्यू क्या है, सोशल क्वेश्चन। कपिल देव इंग्लिश बोलने नहीं आता था, वर्ल्ड कप लेके आया 1983 में, महेंद्र सिंह धोनी कोई गांव से लड़का है वो, अपना टायर थ्री सिटी इंडिया का, झारखंड का लेके आया, खड़ा किया और जिता के दिखाया, इसको बोलते हैं सोशल क्वेश्चन। दिमाग लगाते हैं ये लोग, दे आर बॉर्न लीडर्स, ये वेरी गुड सिस्टम, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, हार्वर्ड में होता है। पियर्स, पियर्स मतलब दोस्त लोग आपको रेट करेंगे, उससे आपको भी, आप क्या करते हो, टीचर को मस्का मार के मार्क्स ले लेते हो, ऐसा नहीं चलेगा। टीम वर्क, टीम वर्क से होता है। आज मेनन क्लास इतना सक्सेसफुल क्यों है, टीम वर्क है। आज सवेरे हमारा एक सेमिनार था, 30 जन एक साथ आ गए, 30 पीपल वर ज्वाइनिंग। आपका फेवरेट पूजा मिस भी थे, पूजा चिंदरकर मिस भी थे, प्रीति मिस भी थे, धीरज सर भी थे, सब लोग सीखने आए थे। इसको बोलते हैं टीम वर्क। ये कैसा आता है टीम वर्क, धीरज सर को मैंने नहीं बोला कि भाई तू आके बैठ, वो क्यों आ रहा है, एसक्यू, एसक्यू मतलब क्या, सोशल क्वेश्चन। दिस रिव्यू बाय पीयर्स एंड टीचर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग भी देख सकते हो हमारे टीचर्स में गजानन सर है, दया सर वेरी पॉपुलर, क्यों, सोशल क्वेश्चन हाई है, उनको कंसर्न रहता है बच्चों का, अरे बच्चे ने पढ़ाई किया है कि नहीं, वो बच्चों का पेरेंट्स से बात करते रहते हैं। इसको आईक्यू नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एसक्यू, सोशल क्वेश्चन। क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, इट बी टॉट इन स्कूल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैंग्वेजेस, इधर आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट माई टू लैंग्वेज टीचर्स, वेरी रेस्पेक्टेड टीचर्स, शीतल मिस एंड चिराग सर ऑल्सो टू स्पीक। लैंग्वेजेस में मुझे बहुत अच्छा लगता है मदर टंग, वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम ए मलयाली, बट आई एम प्राउड टू से दैट यू नो माई फादर इंसिस्टेड मैं घर पे मलयालम बात करूँ, मैं स्कूल में मराठी सीखा, एंड आई नो टू रीड एंड राइट मराठी, आई एम वेरी हैप्पी। English too, you all know, is very good. I can speak very fluently in English, but I'm pretty comfortable in Marathi. I'm pretty comfortable in Hindi. I'm pretty comfortable in Malayalam, and it helps. I believe a mother tongue will help the student develop. English definitely important. English definitely important, but English is not the only important thing. For example, मैं अभी और एक example देता हूँ। अमित मिश्रा करके एक bowler था, okay? वो ball करके एक बार man of the match जीत गया। आप लोग शायद पहचानता नहीं होगा। अच्छा bowler था अमित मिश्रा, leg spinner। उसने एक बार जीत के उसको ये लोग ने माइक पकड़ाया, ओके, और बोला कि प्लीज स्पीक। तो वो बेचारे को इंग्लिश नहीं आता था, तो उसने कुछ तो बोला तू तू मैं, बाद में फिर वो बोला आई वांट टू स्पीक इन हिंदी, वो हिंदी में बात करने लगा। तो ये लोग ने बुलाया सेवक को, ओके, सेवक को खड़ा किया उसको ट्रांसलेट करने में। सेवक का भी इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, बट वो मैनेज कर लेता है। तो कमेंट जो है ना, ऑस्ट्रेलियन पीपल ना, दे आर वेरी स्मार्ट। उसको नीचे दिखाने के लिए, अमित मिश्रा को नीचे दिखाने के लिए बोला, वीरेंद्र सेवक, अमित मिश्रा डज नॉट नो इंग्लिश। तो वीरेंद्र सेवक ने एक अच्छा लाइन बोला, बोला हिज मेन थिंग इज टू टेक विकेट्स, ही इज अ बॉलर, ही इज सपोज टू टेक विकेट्स, ही इज नॉट सपोज टू बी गुड इन इंग्लिश, आई विल आंसर फॉर हिम। खत्म कर दिया वो कमेंटेटर को। अमित मिश्रा को अच्छा इंग्लिश, वो इंग्लिश टीचर थोड़ी है, वो बॉलर है, 6 विकेट लेके वो मैन ऑफ द मैच बना है। सिंपल आंसर, English is not the only thing. It is an important thing. Mother tongue, Sanskrit is coming back. I'm so happy. Sanskrit, mother of all languages, is coming back, making a big. हम लोग अभी संस्कृत क्यों लेते हैं? Marks मिलते हैं, marks मिलते हैं। अरे बाबा, marks के लिए मत सोचो। Sanskrit the mother of all languages. Sanskrit मिलने के बाद आप देखो किधर किधर क्या open होता है। Home language और local language भी promote किया जा रहा है। Very good move, government of India. And of course, they have left it for the states to implement. क्योंकि state वाले थोड़ा अभी गड़बड़ करने लगे हैं, saying that Hindi is being imposed. मुझे वो discuss ही नहीं करना है. What the government is saying is two local languages and one foreign language you can learn. उसके ऊपर आपको जो सीखना है आप सीख सकते हैं. Now, would Sheetal Miss and Chirag sir like to say something here, please? Good morning, everyone. एक foreign language है और दो language जो है Indian language, कोई भी लोग ले सकते हो. ऐसा है. तो यानी कि मतलब जिस मतलब ऐसा सिस्टम बना है ना जिसकी वजह से बच्चों को काफी अच्छा प्रेफरेंस मिलेगा, मतलब अच्छा मतलब आगे कुछ करने को मिलेगा, नई नई लैंग्वेज सीखने का मौका मिलेगा. तो ये जो है वो सिस्टम बहुत ही अच्छा है जो नया इम्प्लीमेंट हुआ है. बस उतना ही बोलना था सर मुझे. थैंक यू चिराग सर, थैंक यू वेरी वेरी मच. शीतल बेस आपको कुछ बोलना है? हाँ सर, म्हणजे आता ही जी स्टेट लँग्वेज जी आहे ती कंपल्सरी पण केली गेली आहे. आपण ज्या भागात राहतोय त्या भागातली लँग्वेज आपल्याला जर आली तर आपल्याला सगळे व्यवहार सुद्धा आपल्या हातून म्हणजे व्यवस्थित होणार आहेत म्हणजे. आणि ही लँग्वेज आपल्याला कंपल्सरी यायलाच पाहिजे असं पण गव्हर्नमेंटने सांगितले. तर आपल्याला महाराष्ट्रात राहतोय तर मराठी भाषा ही आपल्याला म्हणजे कंपल्सरी शाळेमध्ये असणार आहे. आणि सगळ्यांनी या भाषेला म्हणजे मराठी भाषिक आहेत ते तर
ही भाषा त्यांना तर म्हणजे मातृभाषा असल्यामुळे त्यांना येतच असते, पण जे इतर भाषिक आहेत त्यांना एक नवीन भाषा शिकायला मिळते आणि भविष्यामध्ये एक आपल्याला एक नवीन भाषा आपल्याला येते ऍड झाली आपल्यामध्ये आणि आपल्याला म्हणजे काहीतरी त्या भाषेमधलं जे वाङ्मय आहे, जे लिटरेचर आहे ते आपल्याला शिकायला मिळणार आहे, वेगवेगळ्या लेखकांचे कवींचे विचार आपल्याला कळणार आहेत. तर अशा दृष्टीने आपण त्यांच्या त्या लँग्वेजकडे बघितलं आणि जर तिचा अभ्यास केला तर आपल्यासाठी ते चांगले राहील. त्यासाठी आपल्याला ही नवीन लँग्वेज शिकली पाहिजे मराठी भाषा, असं मला म्हणायचं. थँक्यू सर. थँक्यू चिराग सर. थँक्यू शीतल. मिस मुझे आपको एक मेरा लाइफ का एग्जाम्पल देना हो. मैं प्रोडक्शन इंजीनियर हूँ. मैं शॉप फ्लोर में काम करने लगा. सब महाराष्ट्र से. नाउ इमेजिन इफ आई हैव टू गेट वर्क डन फ्रॉम दोज पीपल, इफ आई वुड हैव कंटिन्यूड स्पीकिंग इन मराठी, दे वुड हैव ट्रीटेड मी लाइक वन ऑफ देयर ओन. सिंपल लॉजिक है. आई स्टेड इन एंडेवर सोसाइटी वेयर ऑल माय फ्रेंड्स वर साउथ इंडियंस. बिकॉज ऑफ दम आई लर्न तमिल. आई एम ए मलयाली. बट व्हेन आई गो टू चेन्नई एंड आई टॉक इन तमिल, इट कनेक्ट्स. As Sheetal Miss Chirag sir said, you know, every language has their nuance. Sant Tumkaram ke bare mein aap padhoge, you'll feel inspired. Shivaji Maharaj ke bare mein aap padhoge, you'll feel inspired. You read about Rani Lakshmibai, you feel inspired. Would you think of a lady tying up a child and fighting? Never, but you get inspired. So every language is important. And I think this is a very good move from the government of India. Having said this, right, very good. Not imposed on anybody. Common entrance exam, very, very good move. Extreme. Henry sir, I want you also to please speak. It will be a pleasure to give you all speak. Again, twice a year, ek exam se nahi hoga. Undergraduation, bahut achha route hai. 3 to 4 years, multiple entry, multiple exit option. Wapas bol raha hu, aap log sab blessed hai. You are all blessed. Aapke parents ne aapke liye bahut kuch kiya hai. Lekin bahut sare jan padhai aadhe mein chhod dete hai. Kyun? Paisa nahi hai, ghar ko support karna hai, behan ka shaadi karana hai, pitaji guzar gaya, sab chal raha hai. To government kya bolta hai? भाई तू रहा एक साल कंप्लीट कर, तेरे को सर्टिफिकेट दिया जाएगा. 2 साल कंप्लीट कर, तेरे को एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा. 3 साल कंप्लीट कर, तेरे को मैं बैचलर्स डिग्री दे देता हूँ. कितना अच्छा मूव है बेटे. पढ़ाई छोड़ के तू वापस आ सकता है पढ़ाने के लिए. आज मेरा माँ का मैं बोल रहा हूँ ना, शी कुडंट फिनिश हर ग्रेजुएशन. वाई? अर्ली मैरिज. दोस डेज इट वॉज दैट वॉज अ नॉर्म. शी गॉट मैरिड एंड देन अनिल मेनन केम. उसके बाद बेचारी का पढ़ाई छूट गया. अभी देयर विल बी नो मोर सच पीपल. एंड बाय द वे शी इज द बेस्ट इंग्लिश टीचर. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड एग्री, द बेस्ट एवर. ओके? एंड शी इज फ्रॉम लेडी श्रीराम दिल्ली, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया. लेडी श्रीराम में मैं माँ पढ़ती थी, राइट? बट देन शी गॉट अर्ली मैरिज. नाउ विद अस क्या है, आपको 2 साल करना है तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, राइट? आप 3 साल करेगा तो डिग्री, 4 साल करेगा तो बैचलर्स डिग्री विथ रिसर्च. सुपर रिसर्च. ये रिसर्च जो आ गया ना इंडिया के लिए बहुत अच्छा है. बिकॉज रिसर्च मतलब हमारे इधर क्या है, किसी का थीसिस कॉपी करके डॉक्टरेट ले लो. रिसर्च मतलब एक्चुअल. मैंने मेरा 5 साल लाइफ का डाला है रिसर्च में. पूरा रिसर्च करके, पेपर करके, पब्लिश करके. 4 पब्लिकेशन है मेरा इंटरनेशनल रिव्यू में. और 4 पब्लिकेशन के लिए 40 बार रिजेक्ट किया है मुझे. और एक रिजेक्शन के बाद मैं ऐसा बैठता था. इट वॉज ओनली माई मदर एंड माई वाइफ हु सपोर्टेड मी. मैं ऐसा बैठता था, अरे वापस रिजेक्शन, वापस रिजेक्शन. अगर एक इंटरनेशनल मैगजीन में पब्लिश करना है ना बेटे, बहुत सारा रिजेक्शन आ जाता है. बट इट इज गुड, इंडिया इज फोकसिंग ऑन रिसर्च. इट इज इंडिया नीड्स रिसर्च. अभी आप लोग सोचिए ना बेटे, इतना इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, एक नोबेल प्राइज विनर बना पाया क्या इंडिया अभी तक? आज के जनरेशन में पुराना मत पकड़ो तुम लोग. यहाँ से अभी कोई माइक्रोसॉफ्ट में काम करते तो हम लोग खुश होते हैं, इंडियन है माइक्रोसॉफ्ट. अरे इंडिया में बैठ के क्यों नहीं माइक्रोसॉफ्ट बनाया? क्योंकि वी आर नॉट अलाउिंग दैट. बट नाउ दैट इज गोइंग टू चेंज. फॉरन कॉलेजेस इंडिया में आना चालू हो जाएगा तो जो हम लोग बार बार खर्चा करके बाहर जाएगा, वो लोग इधर आने वाले हैं. हार्वर्ड विल कम टू इंडिया. And SP Jain will go outside. Beautiful. This is called as the credit system. It is very, very good for India. ये बहुत पहले से ये oppose किया जा रहा था politicians. आपको भी पता है, एक बार Harvard आ जाएगा, इधर Stern आ जाएगा या London Business School आएगा, आपको भी पता है आप किधर जाके पढ़ाई करोगे. तो local colleges suffer करेगा. ये local politician ने उसको block किया. अब ये change हो रहा है, बढ़िया change है. Indian good universities also can go abroad. ये भी बहुत important चीज़ है. Use of technology. I would request Henry sir to speak. आप लोग देख सकते हैं last 60 days में हमने कितना webinars किया है. आज भी Henry sir ने कोई stock market expert को बुलाया है, उनको पूरा plan किया है. Technology ये बहुत जरूरी है to understand technology in education, because with technology in education ही आगे जा सकता है. Henry, बेटे, would you like to speak on this please? Before yes, I... sir, yes, sir. Yes, sir. अभी technology sir कैसे भी simple example देता हूँ सर. मेरे mom का जिन्हें मोबाइल यूज करना आता नहीं था, या ये जूम ऐप, ये सब जो एडवांस टेक्नोलॉजी, उनको वो पता नहीं था. मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी अभी कैसे मॉम को भी कैसे उसमें इंटरेस्ट आ गया, बहुत सारी चीज मॉम सीखने लगे.
जैसे आज भी आपने एक सेमिनार अपना सेशन रखा था, उसमें भी हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी कि किस तरीके से हम और बहुत सारी चीज नहीं कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी अभी कैसा ना सर, हर एक चीज में टेक्नोलॉजी कनेक्टेड है। हमारा लाइफ स्टार्ट होता है, या जैसे हम सुबह उठते हैं सबसे पहले हम हाथ में मोबाइल लेते हैं, वो लाइफ का स्टार्ट ही हमारा कैसा है, वो एक मशीन या टेक्नोलॉजी से ही होता है। तो टेक्नोलॉजी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर हमारे लाइफ में, तो इसीलिए हर एक जगह में हर एक पार्ट में उसका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। और अगर वही चीज जैसे हम देखते हैं जितना 5 to 6 months से जो हम जूम ऐप यूज करके बच्चों को सिखा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पीपीटी, देन बहुत सारी वीडियोस हम शेयर कर रहे हैं। इवन अभी जो टेस्ट स्टार्टिंग में लगता था, टेस्ट कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, टेस्ट कैसे होगा, वर्चुअल टेस्ट कैसे हो सकता है, देन वो गूगल फॉर्म का अपना एक सोल्यूशन आया। तो इस तरीके से हर एक एस्पेक्ट में हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं सर। तो इतना बोलना था सर। आई थिंक वेरी वैलिड पॉइंट। इवन हेनरी सर्स मदर हु इज अ सीनियर सिटीजन इज गेटिंग यूज्ड टू टेक्नोलॉजी। इसमें मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी बच्चों को कि आप लोग का टीचर्स का प्लीज मजाक मत उड़ाइए, स्पेशली कॉलेज के टीचर्स का प्लीज मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि उनके लिए ना बेटा ये सब नया चीज है, राइट। और आप लोग प्लीज समझिए, एट दैट एज बेचारे जूम में करना, राइट, ये सब चीज बहुत डिफिकल्ट है बच्चे, तो प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ, मुझे ये भी पता है कि मेनी ऑफ यू ऑल आर डूइंग इट आउट ऑफ फन, कर दीजिए, आप लोग का आपस में मस्ती कीजिए, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड दीज आर पीपल हु आर गेटिंग यूज्ड टू टेक्नोलॉजी। ये लोग हमेशा चौक और बोर्ड पे काम किया है, चौक टॉक। तो अभी इन लोग भी ऑनलाइन आएगा, तो आई एम वेरी प्राउड टू से यस्टरडे माय मदर स्टार्टेड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ऑन जूम, पर डर ही थी, लेकिन जैसे ही स्टार्ट हुआ शी डिड एक्सट्रीमली वेल। एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मतलब बच्चे आप इधर बैठ के यू कैन लर्न अबाउट हार्वर्ड स्कूल ऑल्सो, यू कैन लर्न अबाउट स्टर्न स्कूल। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्टेड है, सम ऑफ यू ऑल हैव बीन टोल्ड बाय जय सर आर एक्सट्रीमली गुड इन साइंस, मिशिगन यूनिवर्सिटी का कोर्सेस आप इंडिया में बैठ के ले सकते हो। अभी तक कैसा है ना बेटे, वंडरफुल क्लास, वेरी गुड। चिराग सर को थैंक यू वेरी मच, बहुत आपने हेल्प किया ये सब स्लाइड्स बनाने में। देखिये बेटे, इंडिया में ऐसा था कि गुड टीचर्स फॉर गुड स्टूडेंट्स, अभी ये पूरा चेंज हो गया है, गुड टीचर्स फॉर ऑल। आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा आप ये अच्छा कॉलेज में जाओगे, उधर ही अच्छा टीचर्स है, अभी गुड टीचर्स फॉर ऑल। मैं बोल रहा था ना आपको, मेनन मंत्रा स्टार्ट किया, एवरी डे अच्छा टीचर आता है, आप वीडियो एक्सेस कीजिए किसी को भी। अभी कल बेटे सिंगापुर से कोई आके सीख के गया हमारे प्लेटफॉर्म में, आई डोंट इवन नो, और 2004 में पढ़ाया था मैं, वो बच्चा अभी कैनेडा पे, वो आके अटेंड करके गया संडे का क्लास। दिस इज गुड, टीचर्स को बहुत अच्छा है, दे आर ट्राइंग टू स्टेबिलाइज टीचर्स। सॉरी टू से दिस, इंडिया में दो चीज में मेरे को प्रॉब्लम है, एक सम पीपल से दिस एंड आई डोंट लाइक इट एट ऑल, कुछ नहीं मिलेगा तो मैं टीचर बन जाऊंगी, ये गलत एटीट्यूड है। टीचिंग इज अबाउट मोल्डिंग लाइव्स, दैट इज वन, ओके। तो मेनी पीपल से दैट, नॉट मेनी पीपल, सम पीपल, राइट, से दैट, सम पीपल, स्मॉल माइनॉरिटी, मुझे अच्छा नहीं लगता है वो, राइट। टीचिंग इज पैशन, मोल्डिंग स्टूडेंट्स। सेकेंड क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि टीचर्स अनफॉर्चुनेटली आर नॉट वेरी वेल पेड इन इंडिया। बेटे यूएस वगैरह में जाओगे ना, टीचर प्रोफेसर मतलब वो लोग दे आर द मोस्ट हाईली पेड। इंडिया में अभी वो टाइम आ गया है वेयर द रेस्पेक्ट फॉर टीचर्स विल कम, राइट। सो ओनली पीपल हु आर पैशनेट अबाउट टीचिंग, वांटिंग टू मोल्ड लाइफ विल कम, दे विल वर्क रियली हार्ड, राइट। एंड द गवर्नमेंट इज सेइंग बॉस वी नीड द बेस्ट, वी नीड द बेस्ट, राइट, हु विल हैव द पैशन टू टीच एंड मोल्ड लाइव्स, वेरी वेरी गुड। Again, they will have to go through some very specific exams. And I repeat, in India, there's a lot of respect for teachers. Money is not there. Now, with money coming in, things will look up for teachers also. Even a school teacher can earn well. I'm very happy that the government has set a very good target. My last slide, extremely good target, ki 6% of GDP. And my last slide, yes, thank you very, very much. This is only a concurrent list. The government and the state has to implement. I request all of you all to support this. जो भी अच्छा है आप लिखिए, आप बात कीजिए। I think only with education and talk like this, आप लोग का, I've taken 50 minutes of your time, लेकिन काफी अच्छा बात किया है, then things will start moving. अगर कोई interest नहीं रहेगा society में, मैं भी सोचू कहाँ मैं ये बच्चों को ये बताता हूँ, ये कभी आने वाला है, मैं 2040 में मैं रहेगा कि नहीं वही मेरे को मालूम नहीं। I think that's not fair. I think we should discuss, if not for your generation, the next generation. India should come back. Simple. India should come back. Indian should be number one. Thank you very much. I just thought I will tell you about our advisory board, which is a very, very important. You could see all our teachers. This is respected Saraswati ma'am. She is our CBSE board examiner and moderator. So she guides us in all our CBSE activities. Right? Very, very experienced person. BPM mein hai. So not only CBSE, state board ka bhi experience hai. 30-35 years ka experience hai madam ka.
मेनन क्लासेस जब हम लोग ने स्टार्ट किया था 95 में, मैडम वाज एन एडवाइजर टू अस, राइट? तो अभी सीबीएसई स्पेशलिस्ट है, बट मैम इज ऑफ एवरीथिंग, राइट? शी नोज एसएससी इनसाइड आउट, सीबीएसई का तो बोर्ड पेपर्स चेक किया है. दिस इज माय मदर, आई कीप सेइंग दिस, हमारा जो भी इंस्पिरेशन है इज माय मदर. इवन नाउ शी कम्स एंड टीचर्स ग्रामर, शी इज 72, बट शी स्टिल टीचर्स विद पैशन बिकॉज़ शी बिलीव्स शी वांट्स टू चेंज स्टूडेंट्स लाइफ. दिस इज मी, दिस इज माय न्यू अवतार. आई एम एन इंजीनियर एमबीए पीएचडी, ओके. This is our advisory board. Now all parents please note, कौन कौन है हमारे advisory board में? Parimal Merchant sir, very important personality, extremely important personality. Humanist movement का है. He believes in education. वो आपको guide करते हैं. Global level humanist movement का he is a person. So he always gives us how to get humanities involved when you are teaching hard subjects. Surendra Parekh, he is a very very experienced maths teacher. Wonderful person, right? Great human being. Kuch 40 years of experience of teaching mathematics. He is on our board. Ketan Shah, he is from Banaras University. He is a ranker. He works with BARC, Baba Atomic Research Center, Nuclear Power Corporation. Great engineer. He is trying to help us bridge. Ye hamare science ke board ke liye bahut help karte hain. Bridge the industry. And he is, unhone bola, sir, integrated ka chakkar mein nahi padna hai, sir, humko education dena hai. It was Ketan sir who said that. So please note, he is trying to bridge the industry college gap. क्योंकि college में जो सिखाते हैं और industry में कभी कभी नहीं होता है वो gap. He tells me, when he tells me, ये बहुत important है. Don't produce engineers with marks, produce engineers with education. And I think respected Jay sir does that extremely well. Dharmarajan sir, Bits Pilani है. He is on our board. He is great in strategy. आप लोग को मालूम भी नहीं ये सब पीछे चल रहा है. आजकल जो Zoom का lectures हो रहा है इसके पीछे उनका हाथ है. He guided us, क्योंकि मार्च में सब जब ऐसे ही सब बंद हुआ, धर्मराजन सर से मैंने बात किया, बोला चलो 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 ऑनलाइन चालू करना है. एंड वी वर वन ऑफ द फर्स्ट क्लास आई बिलीव एजुकेशन इंस्टीट्यूट विच स्टार्टेड जूम लेक्चर्स. ट्रायल में इनिशियली एक दो दिन फेलियर किया, बट पिकअप किया बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट टेक्नोक्रैट धर्मराजन सर हु इज ऑन अवर बोर्ड. बिट्स पिलाने के हैं, जॉनसन एंड जॉनसन, फिलिप्स एंड गूगल में काम करते हैं. ही इज अ टेक्नोक्रैट. ये अभय है, से अभय ना है, ये हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब है. इनके बारे में मैं बोल रहा था आपको, 11, 12th किया, उसके बाद सीधा सीए पास किया, FY/SY/TY छोड़ दिया, बोला करना ही नहीं है मेरे को. क्यों होता है एकदम, ये क्या पढ़ रहा है सर ये लोग? एंड देन ही वेंट स्ट्रेट एंड पास्ड इंजीनियरिंग, पास्ड सॉरी सीए. आई एम नॉट सेइंग यू शुड डू इट, यू शुड कंटिन्यू स्टडी FY/SY/TY, बट डेफिनेटली देर आर पीपल लाइक हिम, ही इज अ बॉर्न जीनियस. आई थिंक अभय इज देयर ऑन दिस. अभय सम फ्यू वर्ड्स, अभय सम फ्यू वर्ड्स फॉर द यंग स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स प्लीज, और फॉर एवरीबडी. व्हाई कॉमर्स, स्कूल के बच्चों के लिए एडवाइस दीजिए अभय, प्लीज गो अहेड. सो वी हैव अ स्मॉल टेक्निकल इशू, आई विल वेट फॉर अभय टू कम बैक. दिस इज सुमित काबरा, ही इज ऑन अवर बोर्ड. आप लोग ने इनका कंपनी का नाम सुना होगा, आर आर काबल. अकलमंद ही सोच है ये बच्चे, हमारे स्टूडेंट है, मेरे स्टूडेंट है, अभी एडवाइजरी बोर्ड में है. अगेन इंजीनियर है, आज बड़ा बड़ा कंपनी चलाते हैं. आर आर काबल करके आप पढ़ सकते हैं, सुमित काबरा. अक्षय, क्या अक्षय कुमार, कौन है वो? अक्षय कुमार, वो उनका ब्रांड एम्बेसडर है, राइट? एंड ही इज एक्सट्रीमली गुड. ये मेरा बच्चा है दीपक अग्रवाल, बिकाजी फूड्स आपने सुना होगा. दीपक अग्रवाल है द प्रमोटर ऑफ बिकाजी फूड्स, जो अमित जी लाउस बिकाजी करके इनका एड चलता है. अगेन ये बच्चे के बारे में इतना ही बोलना है कि ये बच्चे जब मैंने पढ़ाया था SPGN में, इंग्लिश बराबर नहीं बोल रहा था, लेकिन बार बार वो इंग्लिश में बोलेगा और सब लोग हंसेगा उसके ऊपर, क्लास में सब लोग हंसेगा. फिर एक बार मैं गया, 2010 की बात है, बोला दीपक तू इंग्लिश में क्यों बात करता है यार, तू बात कर रहा है सब लोग हंस रहे हैं तेरे पे. दीपक ने 2010 में मुझे एक बात बोला, बोला कि सर आज ये लोग हंस रहे हैं ना, हंसने दीजिए, कल जब मैं प्रेस के सामने जाऊंगा, मीडिया के सामने जाके बात करूंगा, तो लोग हंसना नहीं चाहिए. तभी मैं सोचा यार ये बच्चा ऐसा कैसा बोल रहा है, मीडिया के सामने जाएगा, इसके सामने जाएगा. 2020 10 साल में अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर करके वो इंटरव्यूज दे रहा है. तो बोलने का मतलब अगेन सेम थिंग, ईक्यू इज नेसेसरी. आईक्यू तो सब लोग पढ़ा सकते हैं, ईक्यू इज नेसेसरी, इमोशनल क्वोशेंट इज नेसेसरी. आई विल नाउ लाइक टू अगेन से यस, देयर इज अ स्मॉल इंडिपेंडेंस डे ऑफर, राइट? आई वुड रिक्वेस्ट जय सर टू स्पीक अबाउट इट, राइट? सो दिस इज जस्ट आउट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर आवर कंट्री एंड ऑफकोर्स इट्स एडमिशन सीजन नाउ. सो गजानन सर, जय सर, कैन वन ऑफ यूर प्लीज स्पीक अबाउट दिस? Yes, good evening, sir. Good evening, everyone. So we have this Independence Day special offer where if you book your admissions for the next year, for the next academic year, 2021-22, you will avail a scholarship discount of 15%. मतलब next year के admissions हमारे यहाँ पे अगर आप book कर रहे हैं तो आप लोगों को
टोटल फीस में 15% का जो है स्कॉलरशिप डिस्काउंट हमारी तरफ से मिल जाएगा। यस सर। जय सर, यू आर सेइंग समथिंग सर। सर आई वाज वेरी थैंकफुल टू यू सर कि आपने आज इतना सब सेशन अच्छे से एकदम वो कॉम्प्लिकेट मतलब खत्म किया, कंप्लीट किया। और आई थिंक जितने पेरेंट्स थे बहुत दिनों से दया सर के पीछे पड़े थे कि सर एनईपी के बारे में बताओ, एनईपी के बारे में बताओ, तो आपने इतना हमको मोटिवेट किया, तो उसके चलते थोड़ा सा हमने रिसर्च वर्क किया और इतने अच्छे से आपने उसको प्रेजेंट किया। रियली जितने भी पेरेंट्स सेशन में बैठे उनको रियली बहुत मजा आया होगा। और मजे के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट मैसेज गया है रिगार्डिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो सच में बहुत लोगों को पता नहीं था, तो आज के सेशन के बाद उनको सच में उसके बारे में एकदम जो नॉलेज नहीं था वो पूरा नॉलेज उनको आज मिला होगा। तो थैंक यू सर, आपने आज इंडिपेंडेंस डे के दिन रियली मतलब एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है बच्चों को नॉलेज का, और रियली पेरेंट्स जो साथ में बैठे हैं बच्चों के साथ में उनको भी बहुत कुछ नॉलेज मिला है रिगार्डिंग एनईपी। तो सर आपने जो वैल्यूएबल टाइम दिया, प्लस आपने जो इतना पैनल लिस्ट में टीचर्स को बुलाया है, सबने जो अपना वैल्यूएबल टाइम दिया है, उसके लिए रियली सर बहुत दिल से थैंक्स आपको कि आपके इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी आपने आज इतना टाइम निकाला है। आई थिंक सर बच्चों का मैसेज भी आना चालू हो गया है, तो रियली सर दिल से आपको थैंक यू, इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी आपने इतना टाइम निकाला अपने पेरेंट्स के लिए, तो थैंक यू सर उसके लिए, रियली थैंक यू। पेरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। Sure. So I'll just like to end by saying, you know, one is extremely simple. I think we complicate life a bit, lot. So my last few messages. Thank you, Gajaraj sir, for the offer. And please don't, this offer is for the next year's admissions. Having said that, coming back to my main message, you know, my main message is very simple. This is for parents as well as students. We have one life. We need to enjoy that. That is very simple. Don't take too much of stress. Education is about learning and discovering yourself. Education is about learning and discovering yourself. And please understand, there are two things in life which you can do very well. If you do one, if you work hard with passion, you will achieve success. Second, it is not only about working hard, it's about working smart. Before that, Abhay, you were saying something. Again, I request, don't switch on the video. Gajaraj sir, aapko kuch bolna hai IT programming ke bare mein? Yes, sir. Good evening. Boliye, please. I would just like to add what Henry sir said about technology. Ki abhi simple example, the top IT companies that we have in the world, Google, Microsoft, uske jitne bhi CEOs hain, all of them are Indians, right? But aisa koi Indian top IT industry nahi jo universally well-known ho. So for that, उसका प्रॉब्लम ये था कि अपने यहाँ पे जब तक आप ग्रेजुएशन में आईटी सब्जेक्ट नहीं लेते तब तक यू वोंट बी एबल टू लर्न एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बट ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है ना, उसमें एक स्टैंडर्ड सिक्स क्लास सिक्स में जब बच्चा जाता है तो उसी से उनको अलग अलग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ जावा ये सारा कुछ वहीं से इंट्रोड्यूस हो रहा था। दैट विल बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर आईटी बेस इन इंडिया एज वेल। तो ऐसा नहीं कि अगर आपने आईटी करा है तो आपको बाहर अब्रॉड जाकर के ही जॉब मिलेगा। सो दैट इज वन न्यू एडिशन in this new policy. And also sir, you are very happy with Sanskrit being added to the languages. So Sanskrit ka ek chhota sa bolna chahunga ki jo Mars pe jane ka plan chal raha hai na scientists ka, usme jo artificial intelligence ka coding wo log kar rahe hain, that coding is being done in Sanskrit language. So wo ek addition hai. To IT industry obviously, to aap logon ko aapke basics, aapke skills pe work karna hai, and this new education policy obviously will help all the students. That's it from my end. I loved that. देखिए अभी at this age also I'm learning something. मुझे ये नहीं पता था Mars पे जो जाने का प्रोग्राम है वो संस्कृत में। See, at this age I'm also learning something. And Gajanan sir is my junior, but उनसे सीखा। देख, this is what I say. Peers से, juniors से, teachers से आप सीख सकते हो। खाली मेरे गुरु से नहीं सीखा है, गजानन खाली मेरे से नहीं सीखा है, मैंने आज गजानन से कुछ सीखा है। बीएड के बारे में एक क्वेश्चन है, मैं आंसर करता हूँ। तो बीएड का कैसा है? I think they're trying to revamp बीएड, they're trying to revamp MPhil. तो एज ऑफ नाउ द एंटायर पॉलिसी इज नॉट क्लियर फॉर द कलीग हु आस्क्ड मी। तो बीएड का अभी भी वो क्लियर नहीं है, एमफिल का भी क्लियर नहीं है पॉलिसी। वो लोग बोल रहे हैं कि वी वांट टू मेक इट मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड ट्रेन टीचर्स वेल, बट अगेन प्लीज नोट दिस इज जस्ट अ पॉलिसी, इट्स नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड। ऑफकोर्स इट नीड सपोर्ट ऑफ एवरीबडी हियर। तो एक स्टोरी था, मैं आपको एंड कर रहा हूँ इस स्टोरी से, अबाउट ए ओल्ड मैन प्लांटिंग ए ट्री। तो ट्री प्लांट कर रहा था, डेली उसको वाटर डाल रहा था। तो His neighbor went to this old man and asked a simple question, ये आप क्या कर रहे हो? तो वो old man ने simple बोला कि मुझे एक बड़ा झाड़ उगाना है इधर। तो इन्होंने वो जो neighbor है बोला, अरे जब तक वो बड़ा झाड़ होएगा आप तो मर जाओगे, you're already 75-80, आप तो मर जाओगे।
एंड ही सेड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सेड ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरा नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं कर रहा हूँ. सो ऑल हियर, ऑल ऑफ अस आर टुगेदर हियर टुगेदर बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ देयर सैक्रिफाइसेस. Similarly, we should leave something for the next generation. I think this national education policy is aiming at that. I'm very happy with the policy. We'll have to wait for its implementation. But I just thought, since there was a request from respected HODs, and I respect all of them a lot, I just said I'll invest 1 hour of my time and studying this. एक घंटे का lecture के लिए मेरे को थोड़ा पढ़ना पड़ा. जय सर ने बहुत help किया, चिराग सर ने बहुत help किया, मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ा. My wife Reshma has helped it. Moment I read all about this, I only felt one thing. Please don't call it new education policy. Please say going back to the Indian roots. Agar ye hoga, India will be a great country because of Indian values, Indian ethos and Western efficiency. Indian ethos and Western efficiency. Jis din ye do combine hoga na, nothing can stop India. Thank you very, very much. Namaskar to all of you.